स्कॉलरली छात्रों स्कॉलरली में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से आज हम एक बहुत ही प्रेरक कविता देखने वाले हैं जिसका शीर्षक है तूफानों से क्या डरना। बहुत ही अच्छी कविता है, इसका जो संदेश है वह भी बहुत ही सुंदर है, इसलिए यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलरली एनहांसर लर्निंग इस चैनल को। चलिए फिर देखते हैं तूफानों से क्या डरना। छठी कक्षा विषय हिंदी, दूसरी कविता तूफानों से क्या डरना। कवयित्री है शिखा शर्मा। देखते हैं कवयित्री का परिचय। शिखा शर्मा प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। देखते हैं कविता तथा कविता का भावार्थ। सबसे पहले कविता का पठन करते हैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखते हैं कविता का भावार्थ। कवयित्री कहती है, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, किसी से भी हमें नफरत या द्वेष नहीं करना चाहिए। सभी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि तूफान तो आते ही रहते हैं, इनसे हमें नहीं डरना चाहिए। अब तूफान कौन से हैं? जो भी संकट हमारे जीवन में आते हैं, संकट की घड़ियां आती है, उन्हें तूफान कहा गया है। ये आते ही रहते हैं, इनसे हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। जो भी लोग हिम्मत करते हैं, उन्हें सभी लोगों की मदद मिलती है। इसीलिए हिम्मत करनी चाहिए और सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। अपने सत्कर्मों से अपने जीवन में रंग भरना चाहिए। किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि संकट तो आते रहते हैं, उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने सत्कर्म करते रहना चाहिए। सत्कर्मों से अपने जीवन में हमें रंग भरने चाहिए। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। हार जीत तो चलती ही रहती है, कभी जीत मिलेगी कभी हार भी होगी। इसे जीवन को हमें खेल समझकर खेलना चाहिए, खेल समझकर ही आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जो भी तुम्हारे हिस्से में आएगा उसे खुशी से अपनाओ, खुशी खुशी उसे ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। जितना भी जीवन है तुम्हारा, उसे हंस कर बिताओ। जब तक जियो हंस कर जियो, क्योंकि एक ना एक दिन सभी को जाना है। कोई भी यहाँ रहने वाला नहीं है, सभी को एक ना एक दिन जाना है। इसीलिए आने वाले तूफानों से मत डरो, उसका हिम्मत से सामना करो, ऐसा कवयित्री का कहना है। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा।
रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। जिस तरह हार जीत यह भी जीवन का हिस्सा है, उसी तरह धूप छांव यानी सुख और दुख भी हमारे जीवन का हिस्सा है। कभी उजाला होगा, कभी अंधेरा होगा, जैसे कि कभी सुख के दिन होंगे तो कभी दुख भी झेलना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। कितनी भी लंबी रात क्यों न हो, लेकिन सवेरा होते ही अंधकार दूर हो जाता है। सवेरा होता ही है क्योंकि सवेरा होने से ही रात का अंत होता है। उसी तरह कितनी भी संकट की घड़ियां क्यों न हो, कितना ही बड़ा संकट क्यों न हो, लेकिन उसका एक न एक दिन अंत ज़रूर होगा। क्योंकि समय एक सा नहीं रहता, समय एक सा कभी ना रहता। थोड़ा धीरज धरना जी, थोड़ा सा धीरज धरना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए जो भी तूफान आ रहे हैं, जो भी संकट आ रहे हैं, उनसे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। देह अभिमान के कारण कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा गर्व रहता है, अपनी सुंदरता का गर्व हो या फिर धन का गर्व हो, इन सब के कारण क्या हो रहा है, हर जगह ये महामारी फैल गई है। सभी को कुछ ना कुछ इस तरह का गर्व है, जिसके कारण आदमी आदमी से खुलकर नहीं बोल पाता, उनसे उनके सुख दुख नहीं समझ पाता। तो ऐसे लोगों को सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी ऐसे लोग हैं, इनको राह दिखानी चाहिए, उन्हें अच्छा मार्ग दिखाना चाहिए। इसीलिए आत्मज्ञान के दीप जलाने होंगे और अंधेरा दूर करना होगा। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान यानी खुद को समझो। जो भी गर्व तुमने अपने मन में रखे हैं, उनसे दूर जाकर अपने बारे में समझो, खुद को समझो और दूसरों के सुख दुख जानो। इसी तरह क्या होगा, अंधेरा दूर होगा। क्योंकि संकट की घड़ियां तो आती रहेंगी, इनसे बिल्कुल भी नहीं डरना है, उसका हिम्मत से सामना करना है। क्योंकि समय एक सा नहीं रहता, इसलिए क्या होगा कि आज अगर धूप है कल छांव मिलेगी, आज अगर दुख है कल सुख मिलेगा। इस तरह सुख दुख तो आते ही रहेंगे, आते जाते रहते हैं। इनसे डर कर हमें नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हिम्मत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्यारी सी कविता है और इसका संदेश भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तूफानों से क्या डरना, संकटों से क्या डरना। चलिए देखते हैं कविता की लय। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो तुम। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी ही ले लो तुम। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी।
तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देहाभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धन्यवाद। तो छात्रों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स करके जरूर जरूर बताइए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए स्कॉलरली से जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।